अगर आपने पिछले कुछ टाइम में गूगल मैप को ओपन किया है और यहाँ पर मेन्यू बटन पे क्लिक किया है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड का एक नया ऑप्शन आ चुका है। तो आखिर ये ऑप्शन किस काम आता है, गूगल मैप में खास तौर से किस काम आता है? क्रोम ब्राउजर में तो हमने देखा है, हम इंटरनेट पे इनकॉग्निटो मोड चालू करने के बाद हम जो भी सर्च करते हैं वो सेव नहीं होता, लेकिन गूगल मैप में इसका क्या काम है, कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर गूगल मैप में इनकॉग्निटो मोड का क्या काम है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो तीन चीज़ें बताई गई है जो कि इसके फायदे हैं, ठीक है, गूगल मैप में इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करने के फायदे हैं ये, लेकिन जो मुख्य फायदा है वो ये है, दो नंबर का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत सी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने फोन की लोकेशन हमारे किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को शेयर कर देते हैं आने वाले कुछ समय के लिए, जैसे एक दिन के लिए या दो दिन के लिए, ठीक है, कितनी भी देर के लिए आपने शेयर कर दियो। अभी होगा क्या कि जितनी देर के लिए आपने अपनी लाइव लोकेशन शेयर करी है अपने दोस्त को, वो उतने टाइम तक आपकी लाइव लोकेशन देख सकता है, आप कहाँ कहाँ पर जाते हैं ये चीज़ उसको पता चलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो इनकॉग्निटो मोड है ये आपके काम आएगा। अभी मान लीजिए आपने अपने दोस्त को आने वाले 24 घंटों के लिए अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रखी है और अभी आप अपने घर पर मौजूद हैं। अभी मान लीजिए आप इनकॉग्निटो मोड चालू कर लेते हैं गूगल मैप में, और इनकॉग्निटो मोड चालू करने के बाद आप चाहे कहीं पर भी जाइए, ठीक है, आप मान लीजिए अपने घर से 10 किलोमीटर दूर चले गए, फिर भी आपके फ़ोन की लाइव लोकेशन आपके दोस्त के मोबाइल में अपडेट नहीं होगी। कुल मिला के बात यही है कि अगर आप लाइव लोकेशन किसी को शेयर कर देते हैं और अपने फ़ोन में इनकॉग्निटो मोड चालू कर लेते हैं गूगल मैप में, तो आपकी लाइव लोकेशन अपडेट नहीं होती है, जिस को भी आपने शेयर कर रखी है उसके फ़ोन में, उसके पास आपकी लाइव लोकेशन अपडेट नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।